सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जेस चैनल को और उसके बाद प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि फ्रेंड्स आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जादू सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल जेएस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फोन पे का एक स्कैन एंड पे ऑफर के बारे में बताऊंगा और जिसके तहत दोस्तों इस ऑफर को अप्लाई करके आप यहां पर 100 रुपीज का कैशबैक बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। तो दोस्तों ऑफर काफी बढ़िया है, ठीक है ना, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको कुछ मेहनत भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ रिकमेंडेशन है। तो दोस्तों आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, मैं आपको इस ऑफर का पूरा डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है ना, अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। एंड उसी के साथ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में फोन पे का मर्चेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट होता है कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा और फ्रेंड्स अगर आप अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आप उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि सभी लोगों को इस ऑफर के बारे में पता चले। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम के बाद इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस ऑफर को लूटने के लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको व्यू ऑल ऑफर्स का ऑप्शन मिल जाता है, आप सिंपली व्यू ऑल ऑफर्स पे चले जाइए। व्यू ऑल ऑफर्स पे जाने के बाद दोस्तों नीचे स्लाइड कीजिए, नीचे आपको फोन पे का एक स्कैन एंड पे ऑफर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 रुपीज कैशबैक फ्लैट 10 on 10 ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, ऑल फोन पे मर्चेंट आउटलेट्स। तो सिंपली दोस्तों आप इस बैनर पे क्लिक कर लीजिए तो इस ऑफर का जितने भी टर्म एंड कंडीशन है आपके पास आ जाएगा, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इस ऑफर को लूटने के लिए सबसे पहले तो आपको फोन पे का कोई भी आउटलेट्स पे जाना पड़ेगा, मतलब कि कोई भी शॉप पे जाना पड़ेगा जिसमें दोस्तों फोन पे से पेमेंट रिसीव करता हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फोन पे क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको 20 रुपीज या उससे ज्यादा का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप पेमेंट कर दोगे तो दोस्तों इंस्टेंट आपके फोन पे वॉलेट पे 10 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा और ये दोस्तों आप पर अकाउंट 10 टाइम्स कर सकते हो, मतलब कि आपको 10 टाइम्स 20 रुपीज करके सिर्फ पेमेंट करना है कोई भी मर्चेंट आउटलेट्स पे, मतलब कि फोन पे क्यूआर कोड को स्कैन करके। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 10 रुपीज करके टोटल 100 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यहाँ पर डे सिर्फ एक बार ही पेमेंट कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि टोटल 100 रुपीज का कैशबैक लेने के लिए आपको टोटल 10 डेज तक आपको 20 रुपीज करके पेमेंट करना पड़ेगा। चाहे आप एक ही क्यूआर कोड को बार बार पेमेंट करो वैसे कोई बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आपको पर डे सिर्फ एक बार ही पेमेंट करना है। और पेमेंट करते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है कि दोस्तों आपको UPI से ही पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है, ठीक है ना। आप वॉलेट बैलेंस को यूज़ नहीं कर सकते, आपको UPI से ही पेमेंट करना पड़ेगा तभी आपको यहाँ पर कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप टाउन पे रहते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे शॉप मिल जाएगा जिसमें फोन पे से पेमेंट रिसीव करता होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आप इस ऑफर का तब आप फायदा ले सकते हो। लेकिन अगर आप विलेज पे रहते हो दोस्तों तो कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकता है क्योंकि विलेज में ऐसे बहुत ही कम शॉप मिलते हैं, किसी किसी विलेज में ऐसे होता भी नहीं है कि फोन पे से पेमेंट रिसीव करता होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप खुद का मर्चेंट अकाउंट कैसे बना सकते हो फोन पे से, ठीक है ना। तो दोस्तों ये भी मैं आपको इसी वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों उसके बाद सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेमेंट कैसे करना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको ऊपर देखिए स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर टैप करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप स्कैन कर सकते हो। या तो फ्रेंड्स अगर आप गैलरी पे फोटो लेके रखे हो तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके गैलरी पे जा सकते हो, ठीक है ना, और वहाँ से आप स्कैन करके पे कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि फोन पे का मर्चेंट अकाउंट आप खुद कैसे बना सकते हो, ठीक है ना, और यहाँ पर एक क्यूआर कोड कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, ठीक है ना, पेटीएम पे जैसे आसानी से हो जाता है ऐसी कोई प्रोसेस फोन पे नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग टाइम प्रोसेस है और मुश्किल है दोस्तों, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम पे जाने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पर आप सर्च कीजिए फोन पे मर्चेंट, ठीक है ना। तो फोन पे मर्चेंट लिख के आप सिंपली इसे सर्च कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है कि बिजनेस सॉल्यूशन फोन पे, ठीक है ना, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है ना, बिजनेस सॉल्यूशन। एंड नीचे देख सकते हो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉन्टैक्ट आस, आपको सिंपली कॉन्टैक्ट आस पे क्लिक करना है। इसके बाद आप फिर से क्रोम पे ओपन कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना, तो इस फॉर्म को आपको अच्छी तरह से फिलअप करना है। अब दोस्तों क्या क्या को डालना है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको नाम डालना है, आपका खुद का नाम डाल लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है ना। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल लीजिएगा, वैलिड ईमेल आईडी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बोला जाएगा एंटरप्राइज नेम, मतलब कि दोस्तों ये जो आप मर्चेंट अकाउंट बनाओगे तो उसका नाम क्या रखना चाहते हो, ठीक है ना, मतलब कि आपके शॉप का नाम क्या रखना चाहते हो, तो अपने हिसाब से नाम चूज कर लीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है वेबसाइट लिंक, मतलब कि आपके बिजनेस के रिलेटेड अगर किसी वेबसाइट है तो दोस्तों उसका लिंक आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी फ्रेंड्स का वेबसाइट नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर नो वेबसाइट यहाँ पर कुछ लिख के डाल दीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ लिखना ही पड़ेगा तभी यहाँ पर सक्सेस होगा, ठीक है ना। तो सिंपली दोस्तों अगर लिंक है आपके पास तो लिंक डालना बहुत ही जरूरी है, अगर आप लिंक डाल सकते हो तो डाल दीजिएगा, और अगर लिंक नहीं है दोस्तों तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि नो
वेबसाइट, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है इंडस्ट्री, मतलब कि कौन से कैटेगरी के आप यहाँ पर मर्चेंट अकाउंट बनाना चाहते हो। तो सिंपली दोस्तों अगर आप एरो का निशान पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा, या तो आप कोई भी बिजनेस यहाँ पर चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों अगर आप फूड का सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फ्रेंड्स फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, हेल्थ केयर सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ट्रैवल ट्रांसपोर्ट का, या फिर फ्रेंड्स डिजिटल कंटेंट, या फिर अगर आपके पास कोई शॉप है, अगर आपके गांव पे कोई शॉप है दोस्तों तो उसका भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो या फिर आप आधार पे सिलेक्ट कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पर आधार पे सिलेक्ट कर लीजिए अगर आपको पता नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि टेल अस मोर अबाउट बिजनेस, आपके बिजनेस के रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ बोलने के लिए बोला जाता है। तो ये मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई शॉप के रिलेटेड बनाना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर आप डेली नीड शॉप लिख सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर आपको पेमेंट मैथड सिलेक्ट करना होगा, आप कौन से मेथड पे पेमेंट लेना चाहते हो, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों यहां पर देखिए आपको यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, वॉलेट का पेमेंट, यहां पर गेटवे, इसके बाद दोस्तों कैशबैक ऑफर। तो सिंपली दोस्तों आप ये चारों ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि यही अच्छे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों बाकी को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो फ्रेंड्स आप इसे नो नो या फिर ऐसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको कुछ भी लिखने के लिए बोला जाएगा कि फॉर अदर पेमेंट सॉल्यूशन प्लीज स्पेसिफाई। तो यहां पर दोस्तों आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहां पर सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, फोन पे टीम विल कॉन्टैक्ट यू सून, ठीक है ना। मतलब कि दोस्तों फोन पे का टीम, मतलब फोन पे से आपको एक कॉल आएगा, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर इंस्टेंट आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको बहुत सारा वेट करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर दो तीन दिन भी टाइम लग सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों फोन पे की तरफ से आपके पास एक कॉल आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है ना। अगर वो लोग सक्सेसफुली आपका सभी डिटेल्स कलेक्ट कर लेते हैं, आप सक्सेसफुली सभी डिटेल्स दे पाते हो तो दोस्तों आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि आपको फोन पे का QR कोड मिल जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक अच्छे प्रोसेस है फोन पे का मर्चेंट अकाउंट, मतलब कि QR कोड बनाने में। और दोस्तों जब अगर आपका QR कोड बन जाता है तो दोस्तों आप उसी QR कोड को स्कैन एंड पे के दौरान इस ऑफर को लूट सकते हो, मैंने जो आपको ऑफर बताया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी सवाल होता है फ्रेंड्स तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।